दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों क्रिकेट में दर्शकों को जितना मजा खेल देखने में आता है ना, उससे कहीं ज्यादा मजा उन्हें क्रिकेट मैच के दौरान हुए फनी मोमेंट्स को देखने में आता है। इन फनी मोमेंट्स को दर्शकों के साथ दोस्तों खिलाड़ी भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ मोमेंट्स तो भाई खिलाड़ी खुद ही क्रिएट करते हैं और खुद अनएक्सपेक्टेड ही दर्शकों को नजर आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे ही मोमेंट्स जिन्होंने दर्शकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया। तो आइए भाई आपको भी दिखाते हैं वो प्यारे प्यारे लम्हे। शुरुआत करते हैं नंबर 10 के संग फनी रनआउट। दोस्तों आपने क्रिकेट में बल्लेबाजों को रनआउट होते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी किसी बल्लेबाज को फनी तरीके से रनआउट होते हुए देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो आप जरा ये वीडियो देखिए। यहाँ पर जो मोमेंट है उस पर गौर फरमाइए, किस प्रकार से रन लेते हुए इस बल्लेबाज का भाई बल्ला जमीन में फंस गया, जिसका फायदा उठाकर विकेट कीपर ने उसे रनआउट कर दिया। अगर बल्ला जमीन में ना फंसता तो बल्लेबाज बड़े ही आराम से भाई क्रीज के अंदर पहुंच जाता और आउट ना होता। लेकिन आप इस इंसिडेंट को उसकी बुरी किस्मत कहें या फिर कुछ और, आप ही डिसाइड करिए। लेकिन इतना जरूर है कि इस मोमेंट को देखकर भाई दर्शक काफी खुश हुए। नंबर 9 फनी फील्डिंग। फील्डिंग करते टाइम दोस्तों कई बार ऐसे ऐसे फनी मोमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो वंस इन अ मिलियन होते हैं। फील्डर्स की पैंट्स उतर जाना, हाना हाना के चक्कर में भाई कैच छूट जाना, ये तो काफी आम बात हो गई है। लेकिन आप जरा इस वीडियो में दिखाए जा रहे मोमेंट को देखें, किस प्रकार से बॉल को रोकने के लिए भाई कोशिश करते टाइम ये जो फील्डर भाई साहब है इनका पैर भाई जमीन में फंस गया। इस इंसिडेंट में बॉल तो इनके हाथ से निकल गई वो अलग, लेकिन पैर फंसने से खुद को बचाने के चक्कर में जब ये 2-3 बार घन चक्कर बने तो दर्शकों को भाई बड़ा मजा आया। वो तो भगवान का धन्यवाद कहें कि इन महाशय को कोई चोट फोट नहीं लगी, वरना ये फील्डिंग इन्हें लेने के देने पड़वा देती। नंबर 8 फनी बैट्समैन कोलाई। दोस्तों आपने कई दफा बल्लेबाजों को रन भागते वक्त एक दूसरे से टकराते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा मोमेंट देखा है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से एक शॉट पर रन भागने के चक्कर में दोनों ही बल्लेबाज बीच पिच पर एक दूसरे के संग कुश्ती कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। इस चक्कर की मार भाई इतनी ज्यादा थी कि दोनों ही बल्लेबाज पिच पर ही पसर गए। अब भाई नुकसान तो उसी का होना था जो डेंजर एंड पर भाग रहा था। फलस्वरूप हुआ भी वही, जब दोनों बल्लेबाज उठकर दोबारा से भागने को हुए तब तक विकेट कीपर बॉल से विकेटों की गिल्लियां अलग कर चुका था। बहरहाल भाई इसमें बल्लेबाजों का तो नुकसान हो गया, लेकिन मैदान पर मौजूद हर किसी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। नंबर 7 फनी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में तो भाई हम कई फनी मोमेंट्स देख चुके हैं, लेकिन जितना मजा भाई गली क्रिकेट के फनी मोमेंट्स को देख कर आता है ना, वो शायद भाई किसी और स्तर के मैच में आता हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे इस मोमेंट पर गौर फरमाइए, बल्लेबाज द्वारा मारे गए शॉट पर बॉल कीपर पर तो चली गई पर रन कंप्लीट हो गया, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर गया बल्लेबाज भाई कुछ ज्यादा ही चालाक था। उसने दूसरा रन लेने के चक्कर में अपने साथ बल्लेबाज को जब आधी क्रीज तक बुलाया तब वो वहाँ से भागा, लेकिन उसका ये दाव भाई उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया। कीपर ने भी तुरंत बॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पर भेजकर उसे रनआउट करवा दिया। इस मोमेंट में बल्लेबाज की डेढ़ शान पत्ती की वजह से अपना विकेट गंवाते हुए देखकर भाई हर कोई हंसता हुआ दिखाई दिया। इसलिए कहते हैं ज्यादा शान पत्ती नहीं करनी चाहिए। नंबर 6 एंग्री भज्जी। भैया आपने मैच में कैच के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों की लेजेंडरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो कई बार देखी होगी, जिसमें वो एक दूसरे के संग मिलकर काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों वो क्या है ना, देखिए कभी कभी पड़ोसियों की ये अंडरस्टैंडिंग हमारी टीम इंडिया के खिलाड़ियों में भी नजर आती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप जरा इस वीडियो में दिखाए जा रहे इस मोमेंट को देखिए, किस तरह कैच लेने के लिए भज्जी और इरफान पठान भाई एक साथ भाग रहे हैं। अब भाई देखिए बात तो तब होती जब मिलकर दोनों खिलाड़ी कैच को पकड़ लेते, पर क्या है ना पड़ोसियों का असर भैया कभी कभी आ ही जाता है, इसलिए दोनों ही खिलाड़ी कैच को छोड़ बैठे। अब वो बात अलग है कि ये मोमेंट उतना ज्यादा लेजेंडरी नहीं था जितना कि हमारे पड़ोसियों का रहता है, लेकिन भैया हम तो इससे बहुत खुश है। नंबर 5 आउटस्टैंडिंग हंसी। वैसे तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भाई माइक हंसी को काफी अच्छा फील्डर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई सारे असंभव दिखने वाले कैचेस को भी आसान बनाया है। लेकिन आप जरा इस वीडियो को देखिए और यहाँ पे इस पल को देखें कि किस प्रकार भगवान सूर्य नारायण उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस गगनचुंबी कैच को लपकने के लिए गॉगल्स लगाए हसी ने काफी कोशिश की, खूब डांस भी किया, लेकिन सूर्य भगवान भी कहाँ मानने वाले थे, वो तो मानो भाई कैच ड्रॉप करवाने की ठान कर बैठे थे। अब भाई भगवान की इच्छा के आगे किसी की चलती है क्या, तो बस वही यहाँ पे हुआ। इधर उधर डांस करने के बाद अंत में गेंद गिरी हसी भैया की बाजू में। इस इंसिडेंट को देखकर भाई मैदान पर मौजूद दर्शकों के संग संग विपक्षी खिलाड़ी भी हंसते हुए दिखाई दिए। नंबर 4 फनी बॉल चेज। दोस्तों फील्डिंग करते टाइम फील्डर का पैर फिसलना देखिए आम सी बात है,
खासकर शाम के मैच के वक्त ड्यू आने की वजह से भाई ऐसा होता ही रहता है। लेकिन आप जरा इस वीडियो में दिखाए जा रहे मोमेंट को देखिए, किस प्रकार से दिन के मैच में बॉल को चेज करने के लिए भाग रहे खिलाड़ी का पैर एकदम से मैदान पर स्लिप हो जाता है। इस स्लिप के नतीजन बॉल तो भाई बाउंड्री पार हो गई, लेकिन साथ में फील्डर महाशय भी खुद को बाउंड्री पार ले गए और साथ ही अपना सिर भी भाई बोर्ड पर दे बैठे। अब वो बात अलग है कि इन भाई साहब को कोई चोट वोट आई होगी, लेकिन भला उसे मैदान पर बैठे दर्शकों को क्या मतलब, उन्हें तो ये फनी मोमेंट देखकर भाई बहुत मजा आया। नंबर 3, फनीएस्ट रन आउट। दोस्तों क्रिकेट में बल्लेबाजों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हमने उन्हें कई बार रनआउट होते हुए देखा है, लेकिन आप जरा इस फनी वीडियो को देखिए और इस फनी मोमेंट पर गौर फरमाएं। किस तरह बाउंड्री पर गई एक गेंद पर दो रन भागने के चक्कर में बल्लेबाज भाई बदहवास होकर भाग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा करके दौड़ रहे बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज ने अपने साथी को धोखा दे दिया। आप देख सकते हैं जैसे ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज ने बॉल को आते हुए देखा तो किस तरह उसने दूसरे बल्लेबाज को एकदम से मना कर दिया। फलस्वरूप बेचारा स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बल्लेबाज मजबूरन वापस जाने के लिए मुड़ा और फिसल कर बेचारा गिर पड़ा। उसने फिर से दोबारा उठने की जरूरत भी नहीं की क्योंकि भैया तब तक विकेटों से जो गिल्लियां थी वो अलग हो चुकी थी। दर्शक इस सीन को देखकर बहुत हंसे, लेकिन आउट होने वाला बल्लेबाज यही सोच रहा होगा, काश आंख मूंद का भरोसा ना किया होता तो आज हम भी क्रीज पर होते। नंबर 2, फनी कैच। कैचिंग डिपार्टमेंट में फनी मोमेंट्स देने के मामले में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन कभी कभी पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को देखकर बाकी टीम्स के खिलाड़ियों का मन भी करने लगता है कि वो भी इन्हीं की तरह लेजेंडरी कैचिंग सीखें। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप वीडियो में दिखाए जा रहे इस मोमेंट को देखिए, किस प्रकार से बल्लेबाज द्वारा हवा में मारे गए इस शॉट पर एक दो नहीं बल्कि तीन तीन ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स अपने शानदार टैलेंट को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक के हाथ में तो भाई गेंद आ भी गई, लेकिन मजाल है जो दूसरा खिलाड़ी उसे कैच हो जाने देता। लेकिन जब भैया बॉल दोनों के हाथों से झटकी तो तीसरे ने सोचा कि मैं ही क्यों ना इसे पकड़ लूं। इस चक्कर में वो महाशय भी मैदान पर लौटते हुए नजर आए। हालांकि इस मोमेंट में अगर किसी का फायदा हुआ तो वो था भाई बल्लेबाज और उसके बाद दर्शक, जिन्होंने इस मोमेंट को देखा और खूब एंजॉय किया, बहुत हंसे। नंबर 1, फनी फील्ड सेटअप। दोस्तों आप सभी ने क्रिकेट के कप्तानों को अलग अलग प्रकार से फील्डिंग सेट करते हुए देखा होगा, कभी वो अटैकिंग फील्ड करते हैं तो कभी डिफेंसिव। लेकिन जरा आप इस वीडियो में दिखाई जा रही फील्ड सेटअप को देखें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आखिर ये कौन सा फील्ड सेटअप है। मुझे भाई ना तो ये डिफेंसिव समझ में आ रहा है और ना ही अटैकिंग। बहरहाल इस फील्ड सेटअप को आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस नायाब और अनोखे फील्ड को देखकर हर कोई हंसता हुआ जरूर दिखाई दिया। हाँ मतलब बात भी देखिए हंसने वाली है यार, मतलब 8 फील्डर कौन खड़ा करता है यार स्लिप पर। लेकिन अगर तब भी कुछ अलग ही करना था तो बचे हुए एक और खड़ा कर लेते, बेचारे उसकी क्या गलती थी, उसको क्यों इस ऐतिहासिक मोमेंट से दूर रखा गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इनमें से कौन सा मोमेंट आपको बहुत फनी लगा ये भी लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।